झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां जारी की गई। संविदा आधारित नियुक्तियों में झारखंड में गठित नई नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्तियां की जाएंगी। इसके तहत जिला समन्वयक व फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के करीब 818 पदों में बहाली होगी। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रखंड इकाइयों में भी 218 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। इन सारी नियुक्तियों में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य रखा गया है। ये अर्हता नहीं होने पर उनके आवेदन रिजेक्ट किए जाएंगे। यह नियम रिजर्व कोटि के उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे, उन्हें से छूट रहेगी। संविदा आधारित विभिन्न रिक्त पदों पर इच्छुक व योग्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। नियुक्तियों में झारखंड में जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियम लागू होगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को उचित प्रमाण पत्र लाना होगा। आवेदन का विज्ञापन JSLPS की वेबसाइट पर रहेगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी अपने स्थानीय निवास वाले जिलों के लिए कोटिवार उपलब्ध रिक्त पदों पर आवेदन करने योग्य होंगे। JSLPS ने नियुक्तियों के लिए एक HR कंपनी का चयन किया है।